हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपको ममता की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे। पोहे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 नींबू, थोड़ी सी सौंफ 1 चम्मच के बराबर, थोड़े से कड़ी पत्ता, थोड़ी सी मूंगफली, और ये है हमारे पोहे, और थोड़ी सी नमकीन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर देते हैं। अब हम डाल देते हैं उसमें अपना ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। तो गरम होने देते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो गाइस, तेल मेरा गरम हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़े से सरसों के दाने। सरसों के दाने डाल रही हूँ मैं। ये मेरी सौंफ, कड़ी पत्ता, अब डाल देंगे अपने अनियन, नहीं। ये पोहा नाश्ते में बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। मतलब इसे खा के हमें काफी पौष्टिक आहार मिल जाते हैं, और इसके साथ में 1 कप चाय है, बहुत ही मजा आता है। और इसमें मूंगफली ऐड करेंगे हम। मूंगफली हमारी कच्ची है, इसको हम मूंगफली को पहले हम अच्छे से भून लेंगे ताकि क्रंची हो जाए। उसके बाद हम पोहे में डालेंगे लास्ट में। पहले हम पोहे बना लेते हैं, उसके बाद मूंगफली को फ्राई करके फिर इसमें मूंगफली ऐड करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा क्रंची रहने चाहिए प्याज, सभी अच्छे लगेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बेसिक मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला नहीं है, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, कम या ज्यादा। डालेंगे मसाले, ज्यादा नहीं यूज करने हैं क्योंकि ये पोहा, ये मतलब ये नमकीन चावल नहीं है, ये पोहा है। इसे नाश्ते में हल्का मसाले में ही खाया जाता है इसको। और मतलब ये जो हमारे पोहे हैं इनको हम धो लेंगे। इनको हमने धो के तुरंत ही डालना है, धोकर ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो ये गीले एकदम वो गीले हो जाएंगे। ये हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है, इस करके हमने इनको धो के तुरंत ही डालना है। तो मैं अब इनको धोऊंगी, पहले धो के नहीं रखना है इनको। तो देखिए गाइस, मैंने पोहे धो लिए हैं, ये भी बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम इसमें डाल देंगे अपने पोहे। चलिए इसको हम पकने देते हैं और अपनी मूंगफली फ्राई करते हैं। तो गाइस, पोहे हमारे इधर बन रहे हैं, साथ में मैंने पैन चढ़ा दिया, हम थोड़ी सी अपनी मूंगफली फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो गाइस, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम सरसों तेल का इसमें यूज़ करेंगे तो मूंगफली में तेल की स्मेल आएगी। तो इसमें मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वैसे आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो इसमें। और ये है हमारी मूंगफली जिसको हम इसमें डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि मूंगफली में भी थोड़ा स्वाद आ जाए, क्योंकि अभी ये कच्ची मूंगफली है और फीकी है एकदम। और अब हम इसको हिलाएंगे। मूंगफली से इसका बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है, मूंगफली में जब खाते हैं तो क्रंची लगती है, तो अच्छा लगता है। तो मूंगफली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो जिनको मूंगफली पसंद नहीं है, लेकिन मूंगफली हेल्दी भी होती है, इसलिए
नाश्ता अच्छा हो जाता है, नाश्ते में मूंगफली खाना बहुत अच्छा होता है, इस करके मैं इसमें मूंगफली ऐड करती हूँ। ये देखिए, इनका कलर चेंज होने लग गया है। देखिए आवाजें आ रही हैं, इनके छिलके उतर रहे हैं। तो ये हो चुकी है हमारी मूंगफली फ्राई। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी हमने गरम गरम नहीं डाली है इनको। ये ठंडे हो जाएंगे तब जाके क्रंची होंगे। तो ये मूंगफलियाँ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपनी, ये मैंने इसमें डाल दी और इनको ठंडा होने देंगे। पोहे देख लेते हैं आप, देखिए गाइस हमारे पोहे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू, ये नींबू है मेरा। मैंने ऐड किया था अपना नींबू, अच्छे से मिला देंगे। पोहे हमारे बन चुके हैं, अब हम ऐड कर लेंगे इसमें अपनी मूंगफली। ये जो हमारी मूंगफली थी मैं इसी में ऐड कर दूंगी, मिला लेंगे अच्छे से। मेरे पास हरा धनिया नहीं है इसलिए मैं हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ, अगर आपके पास हो तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं, इससे भी इसका फ्लेवर अच्छा आता है हरा धनिया का। मुझे मिला नहीं है अभी, और तो चलिए मैं आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारा पोहा बन चुका है गैस, गैस पोहे हमारे बन चुके हैं। ये जो नमकीन थी हमारी ये ऊपर से डालेंगे हम, नमकीन भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वैसे नमकीन डाल के बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मेरे पोहे बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।